सबसे पहले तो चार नवरात्राएं होती है, जिसमें पहला है जो शरद काले महापूजा कृत्य या तो वास की तस्मान मेहनत महातव्याम सुत्वा भक्ति समन्विता। शरद कालीन हुआ आश्विन की दुर्गा पूजा। अरे यहाँ अध्यक्ष महोदय का आदेश है जो पांच तरह का ग्रुप बांट दिए हैं, जिसमें हम लोग एक ग्रुप में चार चार आदमी करके हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। और बता दें, यही वो समय होता है जब पूरे देश की जनता धार्मिक आस्था से जुड़े हुए पर्व का इंतजार करती है। और आज हम आपको बता दें कि आज दरभंगा के खराजपुर गांव में विगत पांच वर्षों से यहां पूजा अर्चना की जाती है। चैती दुर्गा माँ दुर्गा की पूजा पूरी तरह परम्परागत विधि से ही होती है। और हम आपको एक बार दिखा देते हैं, देखिए एक बार मंदिर परिसर को एक बार देखिए, पूरे भक्तजन जो यहाँ पर खोइंचा भरने के लिए भी आए हुए हैं। एक यही समय होता है पूरे देश में और दरभंगा के हर घर में लोग काफी ज्यादा अति उत्साहित होते हैं पूजा अर्चना के लिए, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए। चैती दुर्गा पूजा दरभंगा के खराजपुर में विगत पांच वर्षों से किया जा रहा है। देखिए आज माता का पट खुला है, तमाम वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए भी आप दरभंगा के तमाम जनता से कहना चाहते हैं कि देखिए आप माता के दर्शन कीजिए, माता के नेत्र का दर्शन कीजिए और ये जो भव्य रूप है वो दर्शन कीजिए। कहा जाता है जो माँ दुर्गा के दर्शन मात्र से आपके दुख हर जाते हैं, आपके दुख समाप्त हो जाते हैं। आज वही दिन आ गया है, आज छठा सप्तमी पूजा है और माता का दर्शन आप आराम से करते हैं। हमारे साथ पंडित अमर जी हैं। ये चैती दुर्गा का विशेष महत्व अब धीरे धीरे पता जा रहा है क्या हम? क्या महत्व है और देखिए, सबसे पहले तो चार नवरात्राएं होती है, जिसमें पहला है जो शरद काले महापूजा कृत्य या तो वास की तस्मान मेहनत महातव्याम सुत्वा भक्ति समन्विता। शरद कालीन हुआ आश्विन की दुर्गा पूजा, वो दुर्गा पूजा की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सर्व बाधा विनिमुक्तो धन धानी सुतान्विता, सभी प्रकार की बाधाएं मनुष्य की दूर हो जाती है, धन्य धानी त्याग से परिपूर्ण हो जाती है। यह जो प्रक्रिया है चार नवरात्रा, वहां से शुरू होता है, जिसमें दूसरा आ जाती है आपको शिशिरकालीन नवरात्र। शिशिरकालीन नवरात्रा होता है माघ महीना में, वह माघ महीना में जो होता है तो उसमें भी सरस्वती गुप्त नवरात्राएं कहलाती है। उस नवरात्रा को हम लोग गुप्त नवरात्रा कहते हैं, मात्र घर में पूजा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं अपने आप को घर में, जितना उसको शक्ति को आप बढ़ा सके। ज्ञान पूजा है, ज्ञान की सबसे बड़ी प्रशस्तता उसमें दी गई है। तीसरा जो है वसंत कालीन नवरात्र, यह वसंत कालीन नवरात्र जो है आज उसमें क्या होता है, सृष्टि की आदि प्रारंभ हो जाती होती है, विक्रम संवत हिंदू सनातन धर्म की प्रारंभता हो जाती है। इसलिए हम लोग का आदि शक्ति माँ जगदम्बा दुर्गा माता को हम लोग आराध्य है, उनको आराध्य मानते हैं, हिंदू सनातन धर्मावलंबी सभी मिलकर के उनको उनको आराध्य मानते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, तो बसंत कालीन एक नवरात्रा शास्त्रीय विधान में भी आया है जो बसंत कालीन नवरात्रा करनी चाहिए। तो बसंत कालीन नवरात्रा हुआ, बसंत ऋतु में सभी प्रकार की फल पुष्प का वृक्ष जो है सो उसमें हरा भरा हो जाती है, हरा भरा हो जाता है, देखने में समय वातावरण सुहावन लगता है। और यह उद्देश्य है, उसमें भगवती दुर्गा की आराधना की जाती है, जिसमें जिसमें क्या है, तो वो नौ दिन की नवरात्र होती है। वो जो नौ दिन की नवरात्र होती है उसमें जो है आज का रोज जो है, जो इसमें आज का रोज आपको कालरात्रि नाम की सप्तमम कालरात्रि का कालरात्रि नाम की दुर्गा की आज की पूजा होती है, और वैसे भद्रकाली की भी पूजा आज हो जा होती है। तो ये जो पूजा होती है, ये स्वारो शिशो अंतरे पूर्वंग चेत्र समुद्र हुआ सूतो नामा राजाभूत समस्ते चित मंडले, स्वारो शिशु मनमंत्र में सूरथ नाम का एक राजा हुए, वह राजा जो है सो उनको अपने पुत्र पौत्र इत्यादि को से मान लिया जाए, उसको तिरस्कृत मूल भाग में तिरस्कृत हो गए,
और आगे चल करके वह जो है सो चले गए, दोनों घर से निकल करके निकाल दिया गया और वो चले गए मेधा ऋषि के आश्रम में। और इधर एक थे समाधि नाम का वैश्य, वो समाधि नाम का वैश्य जो थे वह भी जो चले गए तो वह भी उनको भी घर से तिरस्कृत हो गए, धन धान त्याग से अलग तिरस्कृत कर दिया गया। और उसके बाद वह जो है वह भी चले गए कहां पर में, तो मेधा ऋषि के आश्रम में। मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचने के बाद इन दोनों जो अपने आप को विरक्ति समझा तो मेधा ऋषि से ये लोग कहते हैं जो हम लोग तिरस्कृत हैं, संसार में रहने की इच्छा भी नहीं है, कुछ ज्ञान की बात हमको कहिए। तो मेधा ऋषि इसी पर में कहते हैं जो आप लोग दुर्गा का आराधना कीजिए, ये दुर्गा का आराधना में वो बताए जो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मका जो देवी हैं उस देवी का आराधना कीजिए। उसमें वह प्रथम चरित्र में महाकाली की आराधना होती है, दूसरी चरित्र में महालक्ष्मी की आराधना होती है, तीसरी चरित्र में जाकर के सरस्वती की आराधना होती है, महासरस्वती का। यही महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। चैती दुर्गा का क्या महत्व है? चैती दुर्गा लोग ज्यादा अब करने लगे, पहले काफी कम लोग थे जो चैती दुर्गा करते लगे। आज का युग जो है सो आपका डिजिटल कहिए, प्रचार प्रसार ज्यादा होती है, प्रचार प्रसार होने से इसका भी पूजा का भी प्रभाव बढ़ा है और उसमें ज्यादा लोग करने लगे हैं। तो चैती छठ, चैती दुर्गा पूजा का विशेष महत्व भी है, चैती छठ भी ज्यादा होने लगा। उसमें भी सूर्य की आराधना किया जाता है चैती छठ में, चैती छठ में उसमें भी भगवान सूर्य की आराधना करके और जो है चैती छठ मनाते हैं, उसमें भी नहा खा खरना संध्या कालीन अर्घ और प्रातः कालीन अर्घ दिया जाता है, जो भगवान सूर्य जो है उनको परिवार में तेजस्व बढ़ावे, तेज ऊर्जम वो तेज की बढ़ावे, ओजस्व बढ़ावे, सब प्रकार की शक्ति उनको बढ़ावे, धनवान। इच्छा बढ़ने का कौन सा दिन अच्छा होता है? सप्तमी से नेत्र देने के बाद सप्तमी अष्टमी नवमी कौन सा दिन अच्छा होता है? इच्छा बढ़ने के लिए तो तीन रोज दिया गया है, तो तीन रोज में सबसे पहले तो महाकाल सप्तमी अष्टमी नवमी, उसमें निशा पूजा जो हो जाती है तो निशा पूजा हो जाती है तो उसके बाद अष्टमी के दिन बढ़ना चाहिए। जिस रोज निशा पूजा हो जाए उसके प्रात होके खोचा बढ़ने से क्या होता है तो सभी देवी देवताओं का पूजा हुआ रहता है, उसमें सभी प्रकार के सबको उस दिन बढ़ना चाहिए। मूलतः अभिभाव कहने का भाव है जो उसमें अष्टमी तिथि ज्यादा महत्ता दिया गया है। सुनिए पंडित अमर जी ने कहा कि जो निशा पूजा के रात्रि के बाद जो अष्टमी होता है वहाँ उस दिन अगर खोंचा भरा जाए तो ज्यादा कल्याण होता है, ज्यादा माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। देखिए यहाँ पर सभी हैं जो पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं पंडित जी लोग ताकि पूजा को शांति श्रद्धा पूर्वक कर सके। देखिए पूरी तरह कर रहे हैं ये पूरा क्या? हाँ सहयोग कर रहे हैं, चलिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो अपने अपने तरीके से पूजा, यहाँ संध्या आरती कितने बजे होती है? यहाँ संध्या की आरती 8:30 बजे होती है प्रत्येक दिन, 8:30 बजे भागवत की आरती होती है और सुबह में वही 1 बजे 1:30 बजे 1:30 बजे के आसपास की पूजा के बाद, पूजा के उपरांत 1:30 बजे आरती की जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि देखिए किस तरह पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक, यही वो समय होता है जहाँ सभी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। तो अब ये एक बात ये बताइए कि कौन सा श्लोक चैती दुर्गा पूजा में, बहुत से श्लोक, कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा लाभकारी होता है? इसमें दुर्गा सरस्वती का पाठ किया जाता है, बीज मंत्र का जाप किया जाता है, गणेश जी का जाप किया जाता है, जितने भी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है उन सभी का आवाहन किया जाता है, उन सभी का पाठ किया जाता है। श्लोक श्लोक प्रभात सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते, और पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है 100 आवृत्ति पूरे नवरात्रा में, तो चलता रहता है 10 दिन में, एक दिन में 10 आवृत्ति हुआ पाठ, ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ माना जाता है। तो हम बताते हैं कि देखिए आज इस से कितनी श्रद्धालु महिला है जो पूजा अर्चना करने में लगी हुई है और यही एक स्थल होता है जहाँ पे देखिए सभी जो पंडित जी लोग हैं वो पूरा पाठ करते हैं पूरा पाठ, और ये अपने जीवन में भी महत्वपूर्ण है। और हम बता देंगे यहाँ जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है,
क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को सफलता के लिए मैनेजमेंट की भूमिका काफी अहम होती है। अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा भी लापरवाही बरते तो हजारों श्रद्धालु को परेशानी होती है। और हम बता दें, चैती दुर्गा पूजा, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि चार जो होता है नवरात्रा होता है, तो इस तरह इस कार्यक्रम ये यहाँ पर ये मूर्ति पूजा 6 साल से हो रहा है यहाँ पर। 6 साल? हाँ। तो किस तरह अरेंज करते हैं इसको? इसका पूजा समिति है, पूजा समिति अपने हिसाब से इसका अरेंजमेंट करती है। और भागवत? भागवत कथा 9 दिन चलेगा, 7 दिन का होता है, लेकिन पूरा पूजा अवधि में हो इसलिए इसको 9 दिन रखा गया है। ये कितने ग्रुप में आप लोग मैनेजमेंट बांट के अलग अलग दायित्व देती है, क्योंकि किसी भी बड़े कार्यक्रम को सफलता के लिए अलग अलग ग्रुप मैनेजमेंट होता है, तो किस तरह आपने किन किन ग्रुप में किसको किसको कितनी जिम्मेवारी दी? हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय का आदेश है जो 5 तरह का ग्रुप बांट दिए हैं, जिसमें हम लोग एक ग्रुप में 4-4 आदमी करके हैं। इतना बजे से इतना बजे हम लोग ड्यूटी देते हैं, अतः श्रीमान से आदेश रहता है कि उसके बीच में किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी बात हो, कोई भी विचार हो, तो जवाबदेही आपकी रहे। 5 ग्रुप में बांटा है? 5 ग्रुप में बटा हुआ है। और इस बार कुछ ऐड किया गया, 6 साल 6 साल है, हर साल कुछ तो कुछ कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है, इस बार क्या? अब इसके बाद कुछ ज्वाइंट होगा, इसके अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जैसे चल रहा था भागवत कथा होता है, मैया का पूजा होता है, उसी तरह से अभी तक हम उल्लास बढ़ रहा है, लोगों में इतना उल्लास पड़ा है, कोरोना के बाद इतनी भीड़ कभी नहीं हुई थी। तो ये बताइए कि ग्रामीणों का कितना सहयोग और कितना ज्यादा इसमें इस बार देखने को मिला उत्साह? देखिए, जिस जगह पर पूजा हो रही है उस जगह से भी ग्रामीणों का, हमारे पूर्वजों का बहुत ज्यादा लगाव हो रहा है। यहाँ कोई धार्मिक आयोजन होना स्वतः अपने आप पूरे ग्रामीण इससे जुट जाते हैं, और ये हमारे गांव के मध्य में है और पूरे गांव के सहयोग से ये पूजा होती है, इसलिए इस पूजे में सब आदमी व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, सभी परिवार जुड़े हुए हैं, सभी में हर्षोल्लास रहती है और प्रतीक्षा रहती है साल भर से। तो हम बता दें आपको कि ये जो पूजा होती है ये निश्चित तौर पर पूरी तरह सद्भावना के साथ होती है, और लोग तो ये सद्भावना के साथ, यहाँ बता दें कि यहाँ जो महादेव जी की प्रतिमा है, पूजा मूर्ति, यहाँ भी पूजा होती है। इसके अलावा इस पूरे तरह का देखिए किस तरह सजावट है, और यहाँ पर जो खासकर महिलाओं की भीड़ होती है वो काफी अपार भीड़ होती है, और ये बहुत मैनेजमेंट का सफलता से होता है कि ये मैनेजमेंट इस बात को देखे किसी भी तरह किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो, और पूरी तरह यहाँ सजावट के साथ 6ठा वर्ष है यहाँ, और इस 6ठा वर्ष में यहाँ देखिए किस तरह माँ दुर्गा की प्रतिमा की सजावट, पूजा अर्चना और भव्य रूप को दर्शन कराने के लिए आज खरासपुर में हजारों की संख्या में जो पूरे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद वो पूरे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। एक बात याद रखिए, जिंदगी में हर व्यक्ति को भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और करते भी हैं, लेकिन अगर माँ दुर्गा की पूजा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर जो संकट आती है, आने वाली है, वो निश्चित तौर पर माँ दुर्गा हर लेते हैं। ऐसे लोगों की कथन है, परंपरा लगातार हम खरासपुर से आपको 3 दिनों तक दिखाएंगे किस तरह यह कार्यक्रम हो रहा है, और इस कार्यक्रम के पीछे हजारों श्रद्धालुओं का जो भावना जुड़ा हुआ है वो किस तरह पूरा कर रही है माँ दुर्गा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।